नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बराक ओबामा का सिर कलम कर देंगे, अमेरिका को बना देंगे इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस की धमकी। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सिर कलम करने की धमकी दी है। आईएसआईएस आतंकियों ने अपने ताजा वीडियो में कहा है कि वह अमेरिका को भी इस्लामिक स्टेट बना देंगे। वीडियो में 3 नकाबपोश आतंकवादी एक कुर्दिश लड़ाके के साथ दिखाई दे रहे हैं। आतंकी वीडियो में कह रहा है कि जान लो ओबामा, हम अमेरिका पहुंच जाएंगे और यह भी जान लो कि व्हाइट हाउस में तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और अमेरिका को एक मुस्लिम देश बना देंगे। वीडियो में आतंकवादियों ने अमेरिका के साथ ही फ्रांस और बेल्जियम को भी हमले की धमकी दी है। वीडियो के अंत में आतंकी कुर्दिश लड़ाके का सिर कलम करते दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है 15 लाख रुपए? अन्ना हजारे ने मोदी सरकार से पूछा। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने में विफलता के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि वे लोकपाल के मुद्दे पर नए सिरे से आंदोलन छेड़ेंगे। रालगढ़ सिद्धि में अन्ना ने काले धन के मुद्दे पर कहा कि लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की गई है, जनता सरकार को उसका सबक सिखाएगी। हजारे ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के 365 दिन बाद भी लोकपाल अधिनियम को लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों से वादा किया गया था कि भाजपा की सरकार बनने के 100 दिन के भीतर काले धन को वापस लाया जाएगा और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। केंद्र सरकार का विवादित फैसला, विदेश सचिव सुजाता सिंह को अचानक हटाया। केंद्र सरकार ने एक विवादित फैसले के तहत अमेरिका में भारत के राजदूत डॉक्टर एफ जयशंकर को बुधवार रात सुजाता सिंह के स्थान पर नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया। सुजाता के कार्यकाल में करीब 8 माह का समय बचा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के रवाना होते ही प्रशासनिक स्तर पर इतना बड़ा उलटफेर किया जाना कई बातों को जन्म दे रहा है। बताया जा रहा है कि सुजाता को बदलने की खबर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी नहीं थी। दूसरी ओर जयशंकर ने कार्यभार संभाल लिया है और कहा कि सरकार की प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता है।